नवरात्रा और दशहरे के बाद एक बार फिर जन समस्याओं को लेकर सरकार सजग है और इसी कड़ी में बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद अपने गृह विधानसभा कटिहार में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं बिहार में गहराते विद्युत संकट पर भी बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा जल्द ही बिहार सरकार इस समस्या का निदान निकाल लेगी। इस तरह का अधिकतर का मुद्दा आ रहा है। अरे देखिए, मैं तो जब विधायक के स्वरूप में भी लोगों से मिलता था तो आम लोगों को कोई कठिनाई होती थी सरकार के स्तर पर और कई स्तर पर, तो वो हम उनसे मिलते रहते थे। हम सबों का दायित्व भी है और उनके प्रति हमारी प्रतिबद्धता भी है, और जब भी उप मुख्यमंत्री के रूप में आने के बाद जब भी मैं कटिहार आता हूँ, बड़ी संख्या में हमारे ज़िले से और निकटवर्ती ज़िले से भी लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, तो यथासंभव उनका निदान करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो समस्याएं हैं वो कुछ घरेलू भी है, कुछ भूमि विवाद से जुड़ा हुआ विषय ज़्यादा आते हैं, या सरकार के स्तर पर कुछ चीज़ें जो लंबित रहती है, कभी कभी जानकारी के अभाव में भी हमारे लोग आते हैं, जब उन्हें सही तथ्य बताया जाता है तो फिर